सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाफी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस कराए थे। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको ढेर सारे और क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आप लोग का जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए और आप सभी लोग अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दे पाए और सभी लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करें। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे इन सभी क्वेश्चंस को तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो तुरंत आप राइट आंसर लगाएंगे और आसानी से आपके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी सही हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने क्वेश्चन नंबर 50 तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना या बड़ी से बड़ी समस्या का हल। दोस्तों क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है आप सभी प्रशिक्षुओं को पता है, जहां भी क्रियात्मक शोध दिखेगा वहां पर हमें समझना है कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा या समस्या हमारी और हल भी हमारा। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो। दोस्तों जहां भी आपको क्रियात्मक शोध दिखेगा आपको तुरंत समझ जाना है, क्रियात्मक शोध जैसे ही आपको दिखेगा आपको समझ जाना है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, यानी कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन या फिर परिकल्पना या उपकल्पना। दोस्तों किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना या उपकल्पना। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। और मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर होता है, यानी कि कोई भी समस्या हमारे पास जब आती है तो हम क्या करते हैं उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या करते हैं सोचते हैं, कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उपकल्पना करते हैं। तो यही सब क्या है समस्या के प्रस्तावित उत्तर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण या फिर सांख्यिकी। दोस्तों क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है वह होता है निष्कर्ष। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था यह किस प्रकार का प्रश्न है, स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी या फिर विकासात्मक प्रश्न। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन अ, स्मृति संबंधी, यानी कि स्मृति या आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने लर्न किया है, याद किया है अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में, तभी आपको ये याद आया कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं स्मृति संबंधी, यानी कि आपने उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखा था या अपनी मेमोरी में स्टोर किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या उपयुक्त सभी। दोस्तों सामुदायिक सहभागिता में जो नवाचार होता है, दोस्तों सामुदायिक सहभागिता में जो नवाचार होता है वह होता है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, एनसीसी, स्काउटिंग, इन सभी के विषय में आप जानते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरी प्रश्न या मिलान पद। तो दोस्तों यहां पर पूछा है कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से ही जानते हैं, इसके अलावा एकांतर पद वाले प्रश्न, मिलान पद, ये सभी जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। जैसे कि मिलान पद जो मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं उनमें जैसे कि एक तरफ देशों के नाम दे दिए, एक तरफ राजधानियां दे दी, उनको आपस में बच्चों को मिलाने को दे दिया गया। और बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको पता है ये ए बी सी डी चार ऑप्शन होते हैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और एकांतर पद वाले भी प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसी प्रकार के होते हैं जिनका आंसर आपको एक एक शब्द में भी देना रहता है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं।
यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, ये आपको पता है ये प्रश्न कैसे होते हैं, ये सब लिखने होते हैं, ये लेंथी होते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वह क्या कहलाता है, या वह परीक्षण कहलाता है विश्वसनीय, न्यायदर्श, वैध या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है विश्वसनीय, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या उपयुक्त सभी। दोस्तों उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं वो वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, व्यवहारिकता भी होती है। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, शोध कितने प्रकार के होते हैं, एक, दो, तीन या फिर चार। दोस्तों राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन ब, दो प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 60 है, मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है कि मूल्यांकन के तीन पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है ब्लू प्रिंट, रेड प्रिंट, दोनों या कोई नहीं। ये क्वेश्चन जिन भी प्रशिक्षुओं ने पहली वीडियो देखी है इस सब्जेक्ट की, उन्हें पता होगा कि जो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम ब्लू प्रिंट कहते हैं, और ब्लू प्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया है और भी कई ईयर में पूछा गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपको पता है जब आपकी परीक्षा होती है तो आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, ये आपको पता है, और किसी किसी परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो जो मूल्यांकन हेतु ये सभी क्या है, प्रश्नों के प्रकार है। अलग अलग परीक्षाओं में आप अलग अलग परीक्षाओं को दे करके आप डीएलएड कर रहे हो, तो आपको पता है कि चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, हर प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय। आपकी भी परीक्षा देखिए, केवल दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द जो है होगा उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं, हम लगाएंगे 6 चरण होते हैं, 6 चरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चार प्रकार की या सात प्रकार की। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आ, दो प्रकार की परिकल्पना होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, नवाचार क्या है, शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों या कोई नहीं। दोस्तों शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन को ही हम कहते हैं नवाचार, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है। दोस्तों क्रियात्मक शोध हो या किसी प्रकार का कोई शोध हो या किसी प्रकार का कोई सर्वे हो रहा हो, ये मान लीजिए अगर कोई शहर है मान लीजिए, तो पूरे शहर में अगर 2 करोड़ की जनसंख्या है तो पूरे 2 करोड़ लोगों को तो एक साथ हम सर्वे में शामिल कर नहीं सकते, लेकिन इस 2 करोड़ लोगों में से हम 2000 लोगों को तो जरूर शामिल कर सकते हैं सर्वे में। कम से कम 2000 लोगों को अगर हमने शामिल किया, इस 2000 लोगों में हर एज ग्रुप को हम शामिल करते हैं, और इन 2000 लोगों पर जो रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आएगा वही हम समझेंगे कि वह संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होगा। तो ये जो छोटा सा भाग है 2 करोड़ की जनसंख्या वाले शहर में से, उसमें से केवल जो 2000 की जनसंख्या, इसे हम क्या कहेंगे, न्यायदर्श या नमूना, इसे ही हम क्या कहेंगे, नमूना। ठीक है, जैसे कि हमें कोई परीक्षण करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर पूरा एक नमक का बॉटल रखा हुआ है जिसमें नमक रखा हुआ है, उसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा नमक निकाल लेंगे, पूरे नमक के बॉटल पर नहीं प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे समझाने का मतलब है कि जनसंख्या का छोटा सा भाग इस 2 करोड़ की जनसंख्या में से सिर्फ 2000 की जनसंख्या को हम लेकर के उस पर जो निष्कर्ष आएगा वही हम समझेंगे ऑल, सभी पर लागू होगा।
तो ऑप्शन आ जो है नियादर्स, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 है, शून्य परिकल्पना संबंधित है, निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, दोनों से या कोई नहीं। दोस्तों जो शून्य परिकल्पना होती है इसका मतलब होता है कि जो हम सोच रहे हैं किसी भी समस्या का समाधान, हमारे पास जो समस्या है उसका समाधान ना सोच करके हम किसी और समस्या का समाधान खोजने लगते हैं, जबकि हमें करना क्या है कि हम जिस समस्या में फंसे हुए पहले हमें उसका समाधान ढूंढना है। तो जब हम निर्देश से, यानी कि जो हमारा काम है उससे जब हम भटक जाते हैं, यानी कि किसी और समस्या के बारे में हम सोचने लगते हैं, तो ये हो जाता है निर्देश रहित परिकल्पना। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है, इसे ही हम कहते हैं शून्य परिकल्पना। तो एक परिकल्पना होती है निर्देशित परिकल्पना, एक होती है निर्देश रहित परिकल्पना, यही दो प्रकार की परिकल्पना होती है। तो यहाँ पर शून्य परिकल्पना किसे कहेंगे, निर्देश रहित परिकल्पना को, यानी कि कोई निर्देश ही नहीं है उसमें, हम कुछ भी सोचे जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, कार्यविधि, निष्कर्ष या समस्या चुनने का कारण। तो सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, वाकई समस्या क्या है हमारे सामने। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, नियादर्श संबंधित है क्रियात्मक शोध से, मूल्यांकन से, मापन से या कोई नहीं। दोस्तों जो नियादर्श है ये संबंधित होता है क्रियात्मक शोध से, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, नियादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सैंपल या नमूना। अभी मैंने आपको बताया भी है कि नियादर्श को ही हम क्या कहते हैं, नमूना भी कहते हैं। ऑप्शन आ जो है सैंपल, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, संज्ञानात्मक पक्ष में आता है ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। दोस्तों जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है इसके अंतर्गत ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है। दोस्तों ये देखिए 2011 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है, बच्चे की रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से या सभी से। तो राइट आंसर है ऑप्शन द सभी से। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के बहुत ही अच्छे से आपको बताया है इसके बारे में, भावनात्मक पक्ष के या भावात्मक पक्ष के बारे में। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या कोई नहीं। दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष को हम ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, भावात्मक पक्ष, इसके अलावा क्रियात्मक पक्ष को हम क्या कहते हैं, कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं। तो जो क्रियात्मक पक्ष होता है इसके कितने स्तर होते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन है 7, 5, 6 या फिर 8। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 76 है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाएगा, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ, वैधता। और बार बार अगर सेम परिणाम देता है तो वह क्या होगा, विश्वसनीय होगा। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है वह उस उद्देश्य की पूर्ति भली भांति करता है तो क्या है, ये वैध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया, हरलॉक ने, महात्मा गांधी ने, फ्रॉबेल ने या सुकरात ने। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर है सुकरात ने, ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में, यानी कि 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया है। ये दो भाग हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, दोनों या कोई नहीं। राइट आंसर है दोनों, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मापक मूल रूप से एक भाषा के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है, फ्रॉबेल का, मॉरिसन का, थॉर्नडाइक का या उपयुक्त सभी का। दोस्तों राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन ब, मॉरिसन का। ये मॉरिसन का कथन है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन या ये सभी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द, ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, मापन धन मूल्य निर्णयन बराबर मूल्यांकन, नवाचार, क्रियात्मक या फिर परीक्षण। दोस्तों मापन धन मूल्य निर्णयन ये होता है मूल्यांकन के बराबर, यानी कि मापन और मूल्य निर्णयन या अंकन मिल करके ही क्या होते हैं, मूल्यांकन बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, किसका कथन है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। राइड स्टोन का, वॉसले का, थांडाई का या उपयुक्त सभी का। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ब, वॉसले का, यह वॉसले का कथन है। क्वेश्चन नंबर 83 है, परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है, अगस्त में, नवंबर में, फरवरी में या अप्रैल में। दोस्तों परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र की परीक्षा कब होती है, अगस्त में, नवंबर में, फरवरी में या अप्रैल में। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन आ, अगस्त। दोस्तों अगर यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पूछेगा तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नवंबर, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है, तो इसलिए राइट आंसर है अगस्त। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 है, द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है, या फिर परिषदीय विद्यालयों में द्वितीय सत्र परीक्षा कब होती है। प्रथम सत्र परीक्षा आपने देखा कि अगस्त में होती है, कब होती है, अगस्त में पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पर आप देख रहे हो द्वितीय सत्र परीक्षा कब होती है, दिसंबर में होती है। ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मापन, परीक्षण, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन आ, मापन में। क्वेश्चन नंबर 86 है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 है, मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए, इसमें H का मतलब क्या क्या होता है, हेड, हर्ट, हैंड, ही, हिम, हेड, हिज, हर, हेल्प या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन आ, हेड, हर्ट और हैंड। 3H का मतलब यही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल या उपयुक्त सभी। दोस्तों ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का जो क्रम होता है वो पहले होता है ज्ञान का बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर कौशल। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी ना किसी परिणाम में सत्ता रखती है या मापने योग्य है। यह किसने कहा था, मैरिसन ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था, गुडविन ने कहा था या क्लासमेयर ने कहा था। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन ब, थॉर्नडाइक ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 92 है, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है मूल्यांकन, नवाचार, मापन या परीक्षण। दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ब, नवाचार। क्वेश्चन नंबर 93 है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह किसका कथन है, ईएम रोजर्स का, वॉर्नेट का, जॉन ड्यूबी का या गांधी जी का। राइट आंसर है ऑप्शन अ, ईएम रोजर्स का। यह ईएम रोजर्स का कथन है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन है ई एम रोजर्स का, वॉर्नेट का, जॉन ड्यूबी का या गांधी जी का।
राइट आंसर है ऑप्शन ब, वॉर्नेट का। यह कथन किसका है? वॉर्नेट का। क्वेश्चन नंबर 95 है, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है शिक्षा में गुणात्मक सुधार द्वारा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रचार करके या प्रसार करके, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ब, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 96 है, मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की थी? सुकरात ने, ग्लेडाइट्स ने, फ्रॉबिल ने या गांधी जी ने? राइट आंसर है सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर 97 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह कथन किसका है? 2016 में पूछा गया है, नन का, क्रॉनबैक का, मरे का या रॉस का? राइट आंसर है ऑप्शन द, रॉस का। क्वेश्चन नंबर 98 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, सबसे पहले किसने किया था क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग? स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, रायबर ने या वुड्रो ने? आप सभी को पता है कि स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था शिक्षा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 99 है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध या वैज्ञानिक शोध? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 100 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? 1, 2, 5 या फिर 4? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन द, 4। क्वेश्चन नंबर 101 है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आंकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या दक्षता मूल्यांकन में? तो राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन में, यानी कि ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 दोस्तों, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का या फिर मुदालियर कमीशन का? दोस्तों कोठारी आयोग ने क्या कहा है मूल्यांकन की परिभाषा के संबंध में, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो कोठारी आयोग ने कहा है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो जो मूल्यांकन होता है शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन आ आपने देख लिया कोठारी आयोग का परिभाषा, जो कि बिल्कुल नहीं मैच करता इससे। तो यहाँ पर दोस्तों जो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यह कथन है एनसीईआरटी का, ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? मूल्यों का, आदतों का, समझ का या आदर्शों का? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सा, समझ का या बोध का। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का या रुचियों का? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन द, रुचियों का। क्वेश्चन नंबर 105 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? राइट आंसर है 5, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है, यह किसका कथन है कि क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है? गुड का, फ्रॉबेल का, महात्मा गांधी का या कोरे का? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर कोरे का। क्वेश्चन नंबर 107 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं, यह कथन किसका है? ग्रीन का, ली का, क्रॉनबैक का या क्विलिन तथा हन्ना का? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर है ऑप्शन अ, ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 108 है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या सभी? दोस्तों जो मापन होता है यह होता है मात्रात्मक, ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, आपको अच्छे से पता है कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है, ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, आप सभी को पता है कि यह संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? आप सभी प्रशिक्षुओं को पता है कि सत्र का जब अंत होता है यानी कि सेशन का जब
अंत होता है, सेशन कंप्लीट होता है तो क्या होता है, वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्जाम होता है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान में, भूगोल में व कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में या दर्शन शास्त्र में। तो जो प्रायोगिक मूल्यांकन है यह होता है विज्ञान, भूगोल व कृषि विषय में। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन द, कठोरता। दोस्तों अगर अभी तक आपने सभी वीडियोस को नहीं देखा है सभी सब्जेक्ट के, तो आप लोग प्लीज देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे बताइए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे आप बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। इससे पहले जो टॉप 50 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। आप लोग के सभी विषयों को मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है, आप लोग को पता ही है। इसके अलावा आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने करा दिए हैं, सभी ईयर के सभी सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं। और आपको पता है नोट्स तो सभी सब्जेक्ट के मैंने बनवाए ही हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आपको सभी विषयों की नोट्स मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। आपने वीडियो को पूरा देखा, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है सभी क्वेश्चंस के बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को दिए हैं। और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपको जहाँ कहीं भी डाउट है आप हमसे पूछिए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे बने रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा।